हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑफ लाइंस डीआई। हम सेकंड वीडियो के साथ डील कर रहे हैं। हम मैं पहले एक वीडियो लाइन के ऊपर बना चुका हूं, अब ये सेकंड है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने यूज़ करनी है कि हाउ टू कैलकुलेट फास्टली, ठीक है। डबलिंग ट्रिपलिंग में डीआई होगी। अब ये वाली जो है लाइन के साथ नहीं है, ये वाली क्या रहेगी, वैल्यूज़ के साथ रहेगी। लेट्स सी, डायग्राम देख लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लाइंस नहीं गिवन है बट वैल्यूज़ गिवन है, तो वैल्यूज़ के लिए काफ़ी इजी वन ये चीज़ मानी जाती है। तो यहाँ पे तीन साल आपको गिवन है, 14, 15 एंड 16, तो थ्री इयर्स के लिए आपको डेटा गिवन है। अलग अलग कैलकटा, पटना, रांची, अंसुल, गया, अलग अलग सिटीज़ के लिए जो है आपका डेटाबेस गिवन है। तो चलो जी, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ पटना स्टोर फॉर थ्री ईयर्स एंड द टोटल सेल्स फॉर अंसोल स्टेट फॉर थ्री ईयर, ठीक है। पटना, दैट मीन्स ये वाली और ये वाली दोनों का हमने सम निकालना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है जी। और दोनों के सम का मैंने रेशियो लेना है। अगर मैं ये वाला सम निकालता हूँ तो इट विल कम्स आउट टू बी अराउंड ऑफ 340। अगर आप ये वाला सम निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड ऑफ 640, ठीक है जी। चलो हम अगर रेशो लेते हैं तो 340 रेशो आपका ये बनेगा 280, दैट मीन्स 00 कैंसिल आउट, 2 पे गया 17, 2 पे गया 14, राइट। तो आई थिंक आपका 17 और 14, सॉरी दिस इज 640, दिस इज 640, राइट। मैं अगेन कर देता हूँ, दिस इज 340 रेशो 640, राइट। अगर आप इसको सोल्व करोगे दिस विल कम्स आउट टू बी 17 और रेशो ये आ जाएगा 32। तो 1732 आपका जो है आंसर होना चाहिए, 1732 आपका जो है आंसर होना चाहिए। तो आंसर डी आपका ऑप्शन में यहाँ पे रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड वन, कहता है क्या जी, टोटल नंबर ऑफ कैंपस शूज सेल्स इन गया स्टोर एंड पटना स्टोर टुगेदर, पटना और गया को इकट्ठा लेना है फॉर थ्री ईयर्स, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स धनबाद स्टोर एंड रांची स्टोर, इनको इकट्ठा लेना है और परसेंटेज जो हमने बतानी है। तो इन शॉर्ट देखो करना क्या है, मैं इसको क्लियर करके आपको थोड़ा लिख देता हूँ कि क्या करना है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले गया और पटना का जो सेल्स है मैं कैलकुलेट यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो गिवन क्या है, मुझे निकालना है ही सेइंग अबाउट गया एंड पटना और स्टोर टुगेदर फॉर थ्री ईयर्स, तीन सालों के लिए इकट्ठा जो है आप लोगों ने निकालना है। चलो जी, अगर मैं ये चीज़ निकालता हूँ तो गया और पटना पहले देख लेते हैं। ये रहा गया और पटना का, मैंने जस्ट अभी अभी जो है फाइंड भी आपको करके दिखाया था। तो ये वाला आता है 340 और गया का मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो गया का जो यहाँ पे रहेगा आपका 440 के अराउंड रहेगा, दिस इज 440, ठीक है जी। तो ये वाला जो टोटल बनेगा बच्चों, तो ये वाला जो टोटल बनेगा आपका ये प्लस ये, इट इज इक्वल टू, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो 780। तो 780 जो है यहाँ पे टोटल रहेगा, राइट। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट में मुझे क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने धनबाद और रांची का जो है टोटल लेना है, धनबाद और रांची जो है मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे है धनबाद और ये वाला जो टोटल आई थिंक बन रहा है, ये बन रहा है 560 के राउंड, और रांची है ये वाला, रांची का अगर मैं टोटल निकालता हूँ इट विल कम्स आउट टू बी 340, ठीक है जी। इन दोनों का अगर मैं सम लेता हूँ तो बच्चों इनका जो सम अराउंड ऑफ बनेगा आई थिंक इट विल बी 1090 के अराउंड जो है मेरा रहता है ये, ठीक है। ये 560 ये वाला कैलकुलेटर मैं दोबारा से कर लेता हूँ बच्चों, ये 530 बन रहा है, 340 नहीं, दिस इज 530। तो ये रहेगा 1000 आपका, दैट इज 1090, तो ये बन गया है 1090 आपका, ठीक है जी। अब हमने रेशो निकालना है, यानी परसेंटेज विल बी इक्वल टू होगी 780 और 1090 की मैंने परसेंटेज लेनी है, दिस इज मल्टीप्लाई विद 100। तो 00 कैंसिल आउट हो गया है आपका। अब इससे आगे अगर नेक्स्ट आप इसको सोल्व करते हो तो मेरे पास रहेगा 7800 को मैंने डिवाइड यहाँ पे करना है 109 से, तो ये अराउंड ऑफ 71.5 के अराउंड जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है जी, ऑप्शन मैच करके देख लेते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट करनी पड़ेगी। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है थर्ड वन क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ कैंपस शूज कोलकाता पटना एंड धनबाद इन 2014 में। तो आपने ये सब लेना है 2014 में, और यहाँ पे देखो अब क्या करना है आपने, के प्लस पी प्लस डी ये वाला लेना है 2014 में, राइट, डिवाइड बाय आपने नेक्स्ट जो लेना है भाई कैंपस शूज फॉर रांची आर प्लस ए अंसूल प्लस गया, ये तीन जो लेने हैं 2015 वाले लेने हैं, 2015 वाले लेने हैं, और मल्टीप्लाई में हम करेंगे 100। तो ऐसे कुछ जो है आपका आंसर यहाँ पे रह जाएगा। लेट्स सी कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो जी ठीक है, तो मेरा क्या था वहाँ पे मैंने लिखा है आपके सामने, दिस इज के प्लस पी प्लस डी डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे लेना है आर प्लस ए प्लस जी, राइट, ऐसा कुछ जो है मेरा यहाँ पे बनना है। ठीक है जी, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये चीज़ मेरी रहेगी राउंड ऑफ 550 के, और ये चीज़ मेरी आपको ऐड कर रहे हो तो आएगी 340 के राउंड ऑफ, ऐसे कुछ आपका बन रहा होगा। ठीक है जी, अगर मैं इनकी परसेंटेज निकालता हूँ तो 340 डिवाइड बाई 550 मल्टीप्लाई में 100 रहेगा, तो 00 कैंसिल आउट, 5 से 11 पे, 5 से दिस इज 2 पे, तो ये आ गया 680 डिवाइड बाई 11। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये 6 पे जाएगा, बचा 161, बचा भाई आपका 9 8, तो 61.8 समथिंग जो है आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। मैच कर लेते हैं तो दिस वन इज़ योर आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो रहा है क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर आपके आंसर्स बन रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इजी है, कैलकुलेटिव नहीं है, जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। कहता है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द एवरेज सेल ऑफ कैंपस शूज ऑफ ऑल द स्टोर फॉर द ईयर 2014 टू द एवरेज सेल्स ऑफ कैंपस शूज फॉर द 2015। 14 और 15 दोनों टोटल लेना है, तो ये है बच्चों 14, ये है आपका 15, मैंने टोटल ऐड करना है, दैट मीन्स कि 120, 80, 140, 90, 70। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो बच्चों मेरा आता है 650 के राउंड। ठीक है जी, ये रहेगा मेरा 650 के राउंड। अब ऐसे ही इन सबको मैं कलर पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ सो दैट कि क्लियर सा रहे थोड़ा। तो अब मैंने इन सब को ऐड करना है, इन सब को किन किन को ऐड करना है, जो अब रेड वाला मुझे दिख रहा है, यानी ये वाला, ये वाली और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है जी, तो आप अगर इसको ऐड करते हो तो इन सब को, तो ये आता है 1150 के राउंड। तो मुझे अब रेशो लेनी है बच्चों इनकी, अगर मैं रेशो लूँ इनकी, दैट इज़ 650 रेशो 1150, तो ये 00 कैंसिल आउट, 5 से मैं इसको कट कर देता हूँ, तो ये 13 पे कैंसिल आउट होगा, ये 5 से इसको कट कर देते हैं, ये 23 पे कैंसिल आउट होगा, तो रेशो जो आपकी आ गई है 13:23। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 13:23 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ये वाला आंसर लेना है, ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से आपने मूव करना है। तो आपका आंसर रहेगा सी वाला। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि काफ़ी इजी है अगर सिस्टमेटिक वे से किया जाए तो। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आपको कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम थोड़े से अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।